What's up guys, very very good morning everyone. बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 11 के अंदर, जहां पे हम लोग मटेरियल अल्टरेशंस वाली बात करेंगे और उसके अलावा हम लोग डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 11 हमारा होने वाला है, 10 सेशंस पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो उसे जरूर से चेक कर लीजिएगा। मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, मेरी जो क्लासेस होती है अनअकैडमी के ऊपर, ये सुबह 10:15 को होती है यूट्यूब के ऊपर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 7 या 8 बजे, जैसे आज की जो हमारी क्लास है, एक्चुअली 7-8 नहीं, उसके मतलब 7:30 बजे आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है शाम में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे की चीज़ कंटिन्यू करेंगे। पेड या क्लासेस, अगर आप हमसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो प्लस या आइकॉनिक के अंदर आपको यहाँ पे IG सर के कोड का प्रयोग करना होगा, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जो भी प्रिवेल करता है उस चीज के रिगार्डिंग। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक हम लोग देख रहे थे, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी से रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि एक अगर व्यक्ति होता है बेटा, तो उसकी लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज। मान लीजिए अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर मैं यहां पे ड्रॉई हूं, मैं पेबल हूं, मान लीजिए मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट है या कोई ड्रॉई है, तो उसकी लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज हो जाती है। तो हमने सबसे पहले देखा था बेटा, सबसे पहले कैंसलेशन, जब बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल हो जाता है तब उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, बाय रिलीज, अगर आप उसे रिलीज कर देते हो, समझिए अगर आप उसको रिलीज कर देते हो, तो ऐसे केस के अंदर भी यहां पे हम लोग कहेंगे कि लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है करके एक पार्टी की। कभी कभार सैंस रिकोर्स वाली चीज होती है, तो उस पार्टी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है। पेमेंट के थ्रू भी क्या हम लोग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, अगर आपने ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर अगेन यहां पर जितनी भी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, बाय ड्रॉवर एग्रीइंग टू द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, या अगर 48 आवर्स के अंदर ड्रॉई यहां पर क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है बिल्कुल, तो ऐसे केस के अंदर अगेन यहां पे बिल ऐसा ट्रीट किया जाता है मानो जैसे वो डिसऑनर हो गया। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आज ही के टॉपिक के अंदर। फिर क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस करता है, जैसे 10,000 रुपए का बिल था, केवल 5,000 रुपए एक्सेप्ट किया, तो अगेन वो डिसऑनर की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ने यहां पे वाले हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, बाय द ड्रॉवर नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड अ चेक फॉर द पेमेंट, अगर कोई ड्रॉवर है बेटा वो चेक को प्रेजेंट ही नहीं करता है सही समय के ऊपर, समय हो चुका है फिर भी वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं बेटा उसे हम लोग कह देंगे कि अरे यहां पे तो लायबिलिटी खत्म हो गई करके। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जिम्मेवारी बनती है आफ्टर मैच्योरिटी भी आपने क्या करना चाहिए, बिल को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप मटेरियल अल्टरेशन करते हैं बिल के अंदर, तो पूरी सब्सिक्वेंट पार्टीज हट जाती है, अगर मटेरियल अल्टरेशन आप करते हैं तब की बात हो रही है। मटेरियल अल्टरेशन के अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे कि देखिए यार यहाँ पे क्या बोला गया है, मटेरियल अल्टरेशन के कौन सी चीज़ें हो सकती है, अगर आप डेट को चेंज कर लेते हैं, आप इंटरेस्ट को चेंज कर लेते हैं, जो अमाउंट पेबल है उसको चेंज करते हैं, टाइम ऑफ पेमेंट को चेंज करते हैं, प्लेस ऑफ पेमेंट को चेंज करते हैं, एडिशन करते हैं पार्टीज का, तो इसे मटेरियल अल्टरेशन बोला जाता है। तो जब जब मटेरियल अल्टरेशन होता है, प्रायर पार्टीज का डिस्चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है क्या, हाँ प्रायर पार्टीज यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद अब मैं आज आपके साथ बात करूंगा कौन सी चीज की रिगार्डिंग, कि ऐसे अल्टरेशन जो चलते हैं बेटा, समझना बात को, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि ऐसे अल्टरेशन जो मटेरियल नहीं होंगे। अब क्योंकि अगर वो मटेरियल, अगर कोई अल्टरेशन है और क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं उसका इफेक्ट नहीं आएगा करके, बस उसी चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग ऐसे अल्टरेशन, हम लोग ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जिसके कारण अल्टरेशन, मतलब जिसके कारण इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसका इफेक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर नहीं आने वाला है उस चीज, मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसी वाली बात होने वाली है। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई कुछ खत्म नहीं हुआ है, सारी पार्टीज की लायबिलिटी अभी भी वैसी की वैसी रहने वाली है, उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कि अगर आपने अल्टरेशन किया और आपका अल्टरेशन अनइंटेंशनल था, और केवल प्योर एक्सीडेंट की तरह हुआ था, समझ रहे बात को, एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट मेयर एक्सीडेंट, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अल्टरेशन अगर अनइंटेंशनल है, आपका इंटेंशन नहीं है सामने वाले पार्टी को डिफाई करने का, आपका प्योर इंटेंशन थे, इसमें खराब इंटेंशन नहीं थे, अच्छे वाले इंटेंशन थे, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या बिल ऑफ एक्सचेंज अल्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, मटेरियल अल्टरेशन हम लोग कहते हैं क्या, नहीं कहते, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल, समझिए फॉर एग्जाम्पल है ना, मैं अगर कहूं आपके साथ, मान लीजिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था, हां सर,
बिल ऑफ एक्सचेंज था। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसका था, अपने प्रिंसिपल का था, समझना, प्रिंसिपल का बिल ऑफ एक्सचेंज था। तो एजेंट इसको क्या कर देता है, एजेंट इसको समझिए बात को, संभालने के लिए इसको बैंक के पास रख देता है। ये प्योर इंटेंशन था, बैंक को कोई मैं एंडोर्स नहीं करना चाहता था, ना ही मैं किसी और व्यक्ति को एंडोर्स करना चाहता, मैं प्योर इंटेंस से फॉर सेफ कस्टडी मैं उसको बैंक के पास रखना चाहता हूं। तो ऐसे केस के अंदर यहां पे कोई मटेरियल अल्टरेशन वगैरह नहीं हुआ है, सारी चीजें एज इट इज सिंपल रहने वाली है, समझ रहे। भली प्रिंसिप, देखो प्रिंसिपल ने किया होता तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन क्योंकि एजेंट ने किया इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि एजेंट ने इसे बैंक के पास रख दिया तो भी हम उसे मटेरियल अल्टरेशन नहीं मानेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। क्या आप बात को समझ गए, सभी लोग बोलिए मुझे यस सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ सेकंड वाली चीज है, अल्ट्रेशन मेड बाय अ स्ट्रेंजर विदाउट द कंसेंट ऑफ होल्डर एंड विदाउट एनी फ्रॉड या नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट करके। जैसे देखिए यार, मान लीजिए कोई अमाउंट है ना, जैसे अमाउंट 1000 रुपये की थी, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, बस 1000 रुपीज या वर्ड्स के अंदर पूरी चीजें नहीं लिखी गई थी। तो कोई स्ट्रेंजर इसे देखता है और वो वहाँ पे लिख देता है 1000 रुपीज करके। मुझे एक बात बताइए, क्या उसने फ्रॉड करने के लिए कुछ किया, या उसने 1 लाख रुपीज ऐसा कोई अमाउंट वगैरह चेंज किया, उसने नहीं किया। भली एक कोई व्यक्ति स्ट्रेंजर था और समझे बात को, और उसने विदाउट कंसेंट, और मतलब विदाउट एनी परमिशन उसने अगर सही कर दिया है, कोई गलती को सही कर दिया है, नेग्लिजेंस नहीं था, सब कुछ बराबर किया उसने, कोई गलती नहीं की, भली बस केवल वो स्ट्रेंजर ने चेंज किए, इसके इसलिए आप क्या उसे फ्रॉड बोल देंगे, आप उसे मटेरियल अल्टरेशन बोलोंगे क्या, नहीं बोलेंगे, समझ रहे बात को। तो अगेन ये प्योर इंटेंशन वाली चीज है जो अपन ने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा था, बस वो अगर कोई स्ट्रेंजर करता है तो उस चीज के रिगार्डिंग यहां पे चर्चा हुई है, ठीक है। तीसरा, अब मान लीजिए कोई अगर क्लरिकल मिस्टेक हुई थी, या कोई क्लरिकल, जैसे अगर मैं बात करूं अभी 2022 लिखना था बेटा, वो मान लीजिए अगर मैं कहूं आपके साथ 30 सितंबर 2022 को बिल पेबल था, मैंने गलती से आप क्या कर दिया 32 लिख दिया करके, तो 32 को काट के एक व्यक्ति 2022 करता है तो क्या चेंज हो जाएगा क्या? अरे समझ में आ रहा है बेटा गलती हुई है करके। या मान लीजिए मैं यहां पे 1022 लिख देता हूं, 2022 की जगह 1022 कर लेता हूं मैं एक बार का 32 का, तो समझ में भी आ सकता है कि हो सकता है 32 का बिल पेबल, वैसे तो होगा नहीं लेकिन हो सकता है ना, समझिए बात को, लेकिन 1022 कर दिया, मतलब यार ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, ऐसी गलती से मिस्टेक हो गई है वो वाली चीज। तो अगर कोई उसको सुधार रहा है, कोई क्लरिकल मिस्टेक को सुधार रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आपने मटेरियल अल्टरेशन किया और ये अब जो बिल है ना ये नॉन पेबल होगा करके आप ऐसा नहीं कह सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 22 का मतलब होता है 22 है ना, चलो आओ मेरे कॉन्वेंट पढ़े हुए बच्चों आओ आओ। देखो उसके बाद, अल्ट्रेशन मेड आउट टू कैरी आउट कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज इज परमिटेड बाय सेक्शन 87 करके। जैसे अब जो भी पार्टीज का कॉमन इंटेंशन था ना बेटा, वो उस चीज को कैरी आउट करने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए एक बिल है ना, बेरर बिल था, समझ रहे है ना, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको स्पेशल वाले कर दिया, या मैं अगर कहूँ आपके साथ मैंने उसे ऑर्डर बिल कर दिया, मतलब वो केवल और केवल पार्टी या उसके कहने के ऊपर ही क्या हो सकता है यहाँ पे नेगोशिएट हो सकता है। अब ये सबका कॉमन इंटेंशन था कि हाँ हाँ ये बिल को अपन ने क्या कर देना चाहिए, ऑर्डर कर देना चाहिए, इससे क्या हो जाता है इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट रहती है, कोई भी आ जाके कल्चर के बिल की बजा के नहीं जा सकता। तो ऐसे केस के अंदर मुझे आप एक बार बताइए, क्या चाल से, बिल्कुल बिल्कुल चाल से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल चाल से, इस चीज का ध्यान रखिए। हमने तो सिक्योरिटी को बढ़ाया है और सिक्योरिटी को बढ़ाना तो चलता है, ये वाली चीज तो अपन ने पहले भी पढ़ चुके। उसके बाद देखिए, अल्टरेशन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज लायबल देयर टू, अगर आपने परमिशन लेके कोई चेंजेस किया है बिल के अंदर, बिल देखो विदाउट परमिशन मटेरियल अल्टरेशन बोल सकता है, जिसमें आपने पूरे प्रायर पार्टीज की परमिशन लेके चेंज किया, तो फिर तो दिक्कत ही खत्म है। और ऑल प्रायर पार्टीज के अंदर ड्रॉई आता है, पेई आता है, ड्रॉवर आता है, सभी लोग आ जाते हैं, और जब सभी लोग आ जाएंगे और सभी के परमिशन है तो यूनानिमस कंसेंट है बेटा। अब यूनानिमस कंसेंट से अगर आप बिल को चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। फिर देखिए, मटेरियल अल्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ दोज पार्टीज हु बिकम्स लाइबल आफ्टर अल्ट्रेशन इज मेड। मतलब देखो, आपने मटेरियल अल्ट्रेशन किया, लेकिन वो मटेरियल पहले भी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ, जैसे देखो ए लाइबल था बी के टूवर्ड्स, बी लाइबल था सी के टूवर्ड्स, सी लाइबल था डी के टूवर्ड्स, और डी लाइबल था ई के टूवर्ड्स, ठीक है। अब आपने कोई मटेरियल अल्ट्रेशन किया,
ये मटेरियल अल्टरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी भी ए बी के टूवर्ड्स लायबल है उतने ही अमाउंट के लिए, उतने ही समय के लिए, ये लायबल है, ये लायबल है, ये लायबल है, अभी भी सेम एज यूजुअल चीजें चल रही है। तो वो ऐसा मटेरियल अल्टरेशन ही क्या जिसके अंदर कुछ चीजें चेंज नहीं हुई हो। मान लो हाँ, आप मटेरियल अल्टरेशन के अंदर यहाँ पे क्या कर देते हो, सैंस रिकोर्स कर देते हो सी का, मतलब यहाँ पे क्या डी लायबल होगा और उसके बाद सीधा बी लायबल होगा करके, समझ रहे? तो ये मटेरियल अल्टरेशन है क्योंकि यहाँ पे पार्टीज की लाइबिलिटी से रिलेटेड चेंज हुआ है ना। देखो, पार्टीज की अगर लायबिलिटी से रिलेटेड आप खिलवाड़ करोगे तो गए काम से, लेकिन पार्टीज की लायबिलिटी से रिलेटेड कोई चेंज नहीं हुआ है तो मटेरियल अल्टरेशन आप उसको बोल ही नहीं सकते। केवल नाम देखे कि मैं मटेरियल अल्टरेशन कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मटेरियल अल्टरेशन है करके मैं आपके साथ यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मटेरियल अल्टरेशन है तो वाकई ही वो मटेरियल अल्टरेशन होना चाहिए और पार्टीज की लायबिलिटी अफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो जो चेंज ही नहीं करे पार्टी इसकी लायबिलिटी, क्या मटेरियल अल्टरेशन बनेगा रे? तू बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। आइए देखिए उसके बाद एच वाला पॉइंट, एन अल्टरेशन व्हिच इज नॉट मटेरियल, एग्जांपल व्हेन बिल पेबल टू द बेयरर इज कन्वर्टेड टू द बिल पेबल टू ऑर्डर या इनकंप्लीट नेम ऑफ द पर्सन कन्वर्टेड टू द कंप्लीट नेम ऑफ द पर्सन, तो इसके अंदर कोई मटेरियल अल्टरेशन नहीं हुआ। आपने सिक्योरिटी बढ़ा दी तो कोई पहले भी 10,000 रुपए पेबल थे, अब भी 10,000 है, पहले भी 3 महीने बाद पेबल थे, अब भी 3 महीने बाद है, अब मान लीजिए वो संभव के जगह संभवी को देना है या संभवी के जगह जानवी को देना है, जानवी के जगह जहानवी को देना है, तो ऐसे केस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझ रहे? मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि पहले बिल बेयरर था, अब आपने उसको कन्वर्ट, तो मटेरियल अल्टरेशन नहीं है ना। ये दोनों सेम ही पॉइंट है कि जहां पे मटेरियल अल्टरेशन ही नहीं हो रहा है तो आप ऐसे चीजों के अंदर आप यहां पे ये नहीं कह सकते क्या कि मटेरियल अल्टरेशन हो गया, पार्टीज को डिस्चार्ज कर दो करके, ठीक है। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो अपन ने अपन ने देखो अभी क्या करें, अपन ने जनरल पॉइंट्स के अंदर पढ़े ना, तो इनका क्या कहना है, नहीं यार ये अच्छा नहीं लगता है करके, इतने सारे जनरल पॉइंट्स को बच्चा कितना ध्यान रखेगा, है ना, समझिए बात, कोई मोहित कितना ध्यान रख लेगा इतने सारे पॉइंट्स को। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको कंडेंस कर दिया है ना, ऐसा कंडेंस कर दिया एक्सेप्शन टू 87, मतलब ऐसी चीजें जो परमिटेड है करके। अरे तो पहले ही ये वाली चीज पढ़वा देते यार, काहे जबरदस्ती इतने सारे पढ़वाए, अपन ने एग्जाम्पल देख लिया, अब अपने को कौन से सेक्शन में क्या क्या दिया है उसको पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं, समझ रहे बात को? अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन ने जो देखे वो एग्जाम्पल्स देखे थे, तो एग्जाम्पल्स को अब अपन लोग स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में दिया है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपन लोग आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। आइए, मेरे हिसाब से कल सुबह आपका ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कल सुबह आपका कंप्लीट हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा, है ना। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कल शाम में क्या कर लेंगे, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑडिट के भी क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस है, तो अभी हमें वो वाली चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें करना है, मतलब समझ रहे बात को, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखे हमने, तो यार अभी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है ना। चलो हाँ, फिर कंपनी लॉ, हाँ फिर कंपनी, देखो मैं अगर बात करूँ तो यूट्यूब के ऊपर आपका दूसरा लॉ चालू हो जाएगा, यूट्यूब के ऊपर एक एक्ट आपका चलता रहेगा और फिर कंपनी लॉ जो है वो प्लस के ऊपर चालू हो जाएगा आपके। मैं आज भी फॉलोअप कर रहा हूँ यार, पता नहीं मुझे अभी आज कुछ भेजे तो है, कोई आए हैं मेरे पास चीज़ें, मैं बताता हूँ आपको, है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक तरफ अपन, मेरा टारगेट ऐसा है बेटा कि अगर देखो यार समझिए बात को, नवंबर के मिड तक भी अगर अपना कंपनी लॉ कंप्लीट होता है ना, मैं May 23 वालों की बात कर रहा हूँ, नवंबर वाले जबरदस्ती बापरे बोले मेट इधर ले जा रहे, नवंबर उनके लिए मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो आपका एक अच्छा खासा मेजर पोर्शन जरूर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पूरी चीज कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन उतना ना तो अपनी बहुत पहले वैसे भी बैच समाप्त हो रही है, ठीक है। तो बाकी लोग भले दिसंबर में हो रही होंगी, अपने को कोई टेंशन की बात नहीं, अपन अपना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ बेटा देखो यार, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मेजॉरिटी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑडिट भी तो है ना, अपने को ऑडिट भी देखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं दिन में बार बार लाइव ही आ रहा हूँ, कभी ऑडिट के लिए, कभी लॉ के लिए, कभी नवंबर के लिए, कभी मई के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर नवंबर 23 वाले बोलेंगे सर एक काम करो हमारा भी चालू करवाई दो, बोले अभी लग गया तब आप इतना कर रहे हो, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएंगी, तो बस और कुछ नहीं। फिर मेरे को ऑडिट के रिविजन्स भी मैंने प्लान करने का सोचा हूँ कि ऑडिट के रिविजन्स प्लान करता हूँ करके, तो उस हिसाब से मेरे को बाकी भी चीज़ें करना है, ठीक है। हाँ चलिए आइए, हाँ मैं उसको प्लान करके आपको एडवांस में बता दूंगा बेटा चीजें, ठीक है, मैं आपको सब बतवा दूंगा। चलिए आइए, ध्यान दीजिए, आ जाओ। हाँ
आयुष भाई ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, दो एक्ट मैंने करवा दिया आपको और सिर्फ दो चीजें बची हुई है, वो मैं पूरी करवा दूंगा, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, इस चीज का ध्यान रखें, है ना, वो पक्का है। रत्नेश भाई नोटेड, मैं आपको पहले से बतवा दूंगा कि कौन सी, जो नवंबर वाले उनको बतवा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा ना, उसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा, पहले मेरे को पूरा प्लान करने दीजिए उस चीज के रिगार्डिंग, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बतवा दूंगा, ठीक है। आइए आ जाओ, मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, कंपनीज के ही कुछ पोर्शन की बात कर रहा हूं, बाकी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, कंपनीज के कुछ चीज को मैं थोड़ा सा ये हो जाएगा नवंबर वालों के लिए, ठीक है। आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, एक्सेप्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 20, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका कोई, समझिए बात को, अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, जैसे कि आपने अमाउंट नहीं डाला, लेकिन जैसे आपने अमाउंट मान लीजिए 10,000 रुपए डाला है, लेकिन आपने उसको वर्ड्स में नहीं लिखे है, तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर वर्ड्स में लिख देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्ट्रेशन हो गया, हाँ मैं वर्ड्स में कोई दूसरी चीज लिखता हूं, 10,000 लिखा है मैंने, उसको 25,000 कर दिया, 30,000 कर दिया, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता ये अल्ट्रेशन नहीं है, फिर वो अल्ट्रेशन है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि कोई इनकंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है और मैंने विद इन अथॉरिटी उसको कंप्लीट कर दिया, मतलब जो भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जितना भी पावर था उसके अंदर, 10,000 रुपए, तो मैंने 10,000 में प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट करवा दिया, ताकि उसके ऊपर की जो लाइबिलिटी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर वो वाली चीजें क्या मटेरियल अल्ट्रेशन होती है क्या नहीं, मतलब ऐसे चेंजेस, ऐसे अल्ट्रेशन क्या पॉसिबल है, क्या ऐसे अल्ट्रेशन आप लोगों को अलाउ है, बिल्कुल बिल्कुल अलाउ है। सेकंड वाली चीज की बात करूंगा, सेक्शन नंबर 49 में देखिए क्या बोला गया है, अगर मैं कहूं आपके साथ, इट अनेबल्स द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन द ब्लैंक टू कन्वर्ट द एंडोर्समेंट इनटू फुल, मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि कोई ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया गया था, क्या मैं उसको फुल में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, कोई बेरर दिया गया था और मैं उसको अगर मैं यहां पे कर दूं बाय ऑर्डर करके, मतलब बेरर का क्या मतलब होता है आप लोग जानते हो, कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर इंस्ट्रूमेंट को क्लेम करता है तो उसको पैसा मिल सकता है जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन ऑर्डर के अंदर केवल और केवल वही व्यक्ति या उसके ऑर्डर को ही पेमेंट किया जाता, बराबर ना, तो मैंने अगर यहां पे सिक्योरिटी बढ़वा दिया बेटा इंस्ट्रूमेंट की, चलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल चलता है। तीसरी वाली चीज, द होल्डर ऑफ अनक्रॉस चेक, मतलब ये बेरर ही हुआ एक प्रकार से, मैंने उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया, चलता है, मैंने स्पेशल से और आगे किया, चलता है, समझ रहे बात को, ध्यान रखिएगा, मतलब मैं सिंपल सी बात यह आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जब जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट की सिक्योरिटी बढ़वा रहा हूं, मैं जब जब कोई इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा कंस्ट्रेंट, ज्यादा उसके ऊपर लिमिटेशन डाल रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल चलता है। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ डी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो वो होता है अपेरेंट अल्ट्रेशन। अब अपेरेंट अल्ट्रेशन का क्या मतलब है, समझिए बात को, अपेरेंट अल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अल्ट्रेशन शुड बी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज इट रिमेंस वैलिड सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स करके, मतलब यहां पे क्या बोला गया, अपेरेंट का मतलब ये होता है बेटा कि यहां पे यार मतलब जो ऑब्वियस वाली चीज है ना, आपने उसी को अल्टर किया है, मतलब एज सच, जैसे अल्ट्रेशन जो है वो फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इंस्ट्रूमेंट बेरर है, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया, वो चलता है, हाँ, क्योंकि वो अपेरेंट है, किसी को भी समझ में आ जाएगा, बेटा मुझे एक बात बताइए, रूपाली इंस्ट्रूमेंट को देख रही है, उसको समझेगा नहीं कि एक स्पेशल कर दिया है करके, बिल्कुल समझेगा, अपेरेंट है, क्लियरली, थोड़ा सा अगर आप सही दिमाग से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाती है, अपेरेंट है। तो ऐसे केस के अंदर अगेन चीजें चलती है, मतलब ऐसे चेंजेस जो फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, जो मटेरियल नहीं है, वो वाली चीजें क्या होती है, वैसे अल्ट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल परमिसिबल हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 89 प्रोवाइड्स दैट वेयर एन इंस्ट्रूमेंट ए वेयर एन इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मटेरियली अल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड द पार्टी विल बी डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। मतलब सिंपल सी बात है कि जब आप यहां पे इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट करते हो ना, जब आप यहां पे इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट करते हो और मटेरियली अफेक्ट किया और वो आपको चेहरे पे नजर नहीं आ रहा बेटा, तो दिल में उतरने की जरूरत नहीं है, समझिए बात को। मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश, जो भी चेंजेस हो वो आपको ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट नजर आ जाना चाहिए। अगर नजर नहीं आए तो हम लोग बोलेंगे अरे भैया ये तो गड़बड़ है, ये मटेरियल अल्ट्रेशन हो रहा है करके, मतलब देखो छुपी रस्तम, सुनिए बात को ध्यान दीजिएगा, छुपी छुपाई यहां पे कंडीशंस आप डालोगे वैसा नहीं चलेगा। जो भी कंडीशन चाहिए हमको, अपेरेंट चाहिए, चेंजेस अपेरेंट चाहिए, बाकी आप अंदर ही अंदर गोल मटोल जो भी कर रहे हो हमको कोई लेना देना नहीं, ऐसी वाली बात यहां पे हो रही है। बट इन सच केस एक्सेप्टर इज लायबल ओनली फॉर द ओरिजिनल टेनोर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट फॉर द अल्टर टेनोर। मतलब अगर पहले 10,000 था और अल्टर करके आपने बारीकी से उसको 20,000 कर दिया बेटा, तो ऐसे केस के अंदर जो एक्सेप्टर है ना, वो 10,000
10,000 के लिए, मतलब जो ड्रॉई है वो अभी भी 10,000 रुपए के लिए लायबल होने वाला है, इस चीज का ध्यान। इसका मतलब, अरे देखो, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल अल्ट्रेशन होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल वाली जो चीज थी वो बोल रहा है मैं उससे भी डिस्चार्ज करके, ऐसा नहीं। 10,000 रुपए तो उसको देना ही है, नहीं तो कल चल के क्या होगा, सुनिए बात को, कल चल के ऐसा होगा कि ये सिद्धि ने ट्रांसफर किया किसे, लस्सी बॉय को, और ये लस्सी बॉय ने ट्रांसफर किया किसे, रूपाली को, रूपाली ने इसे ट्रांसफर किया किसे, मान लीजिए वंशिका को, ये वंशिका सिद्धि की फ्रेंड है और वंशिका इसके अंदर मटेरियल अल्ट्रेशन करती है जानबूझ के, ताकि क्या प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाए तो सिद्धि भी डिस्चार्ज हो जाए करके, ना ये क्लेम कर पाएगा, ना ये, ना ये, ना ये, समझ रहे, कोई क्लेम नहीं। तो ऐसे केस के अंदर इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धि जो ओरिजिनल चीज के लिए लायबल थी वो भी डिस्चार्ज हो जाए करके, ऐसा इसका मतलब नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझ रहे, बताइए ना मुझे, क्या आप ये बात को समझ रहे? मतलब मटेरियल अल्ट्रेशन भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ओरिजिनल पार्टीज जिस अमाउंट के लिए लायबल थी उसको ठस से मस कुछ नहीं होने वाला है, वह एज इट इज स्टैटिक रहने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आइए देखिए, सिमिलरली वेयर द चेक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट द क्रॉसिंग एंड द क्रॉसिंग इज नॉट अपेरेंट द बैंकर विल बी डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स करके, है ना, ये वाली चीज आती है। एग्जांपल नंबर 34-35 पढ़ते हैं। देखिए, अ प्रॉमिसरी नोट वॉज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर द पेमेंट करके, कोई टाइम फॉर पेमेंट नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। द होल्डर एडेड द वर्ड्स ऑन डिमांड ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज पर द अबव प्रोविजन दिस इज नॉट अ मटेरियल अल्ट्रेशन एज प्रॉमिसरी नोट वेयर नो डेट ऑफ पेमेंट इज देयर विल बी ट्रीटेड एज पेबल ऑन डिमांड करके। बस मैंने तो एक शब्द जोड़ा है बेटा, समझना, वैसे तो वो पेबल इन डिमांड ही है, मैंने तो केवल और केवल क्या किया, मैंने तो केवल और केवल यहाँ पे शब्दों को जोड़ा, और जब मैंने केवल और केवल यहाँ पे शब्दों को जोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैंने मटेरियल अल्ट्रेशन कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हेंस एडिंग द वर्ड ऑन डिमांड डजंट यहां पे अफेक्ट द बिजनेस इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो पहले भी क्या था, पहले भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट था और अभी भी वो क्या रहने वाला है, अभी भी वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जांपल नंबर 35, एन अल्ट्रेशन मेड इन द गिवन केस आर नॉट मटेरियल इन नेचर, जैसे देखो, होल्डर ऑफ द बिल इंसर्ट्स द वर्ड ऑन ऑर्डर करके, मतलब मैं अगर ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट करूं, मतलब सिंपल सी बात है, मैं बेयरर से यहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं ऑन ऑर्डर के अंदर, जहां पे सिक्योरिटी बढ़ गई, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, हाँ वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। दूसरा, द होल्डर ऑफ द बेयरर चेक कन्वर्ट्स इनटू अकाउंट पे चेक करके, मैं यहां पे अगेन मैं क्या बोलूंगा ये भी, और अकाउंट पे से स्पेशल किया, तो बताइए मुझे जल्दी से, ये भी चलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलता है, देखिएगा, ठीक है। उसके बाद, द फॉलोइंग मटेरियल अल्ट्रेशंस have been authorized by act and do not require authentication, जैसे यहाँ पे आपने filling blanks of inchoate instrument, मतलब आधा अधूरा कोई instrument है आपने उसको पूरा कर दिया। दूसरा, conversion of a blank into the endorsement in full करके आपने उसको नाम दे दिया, तो ऐसे केस के अंदर ये सारे सारे alterations चलते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं अगर बात करूँ ना आपके साथ, तो ये पूरा पूरा जो टॉपिक था उसमें अपन ने क्या देखा, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज से रिगार्डिंग चीज थी सबसे पहली बात, तो डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज एंड डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जो डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज है उसमें क्या होता है, कोई पार्टीज डिस्चार्ज होती है, और इंस्ट्रूमेंट के केस में सबके सब डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट पे फॉर ओरिजिनल अमाउंट तो लायबल रहनी वाली है, लेकिन बाकी एज सच हायर अमाउंट के लिए डिस्चार्ज होते हैं। अब देखो, अपन ने इसके अंदर एक चीज पढ़ी थी अल्ट्रेशन से रिलेटेड, क्या बोला यहां पे, अल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो कुछ मटेरियल अल्ट्रेशन है और कुछ मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन क्या वैलिड होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होते हैं। अब मटेरियल अल्ट्रेशन के केस में भी कुछ वाली चीजों पे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कुछ वाली चीजों के ऊपर कंस्ट्रेंट है। दूसरी वाली चीज के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है क्या? कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब ये वाली चीज है परमिसिबल, भली वो मटेरियल है फिर भी वो परमिसिबल है। जो अभी अपन ने आखिरी में पढ़े थे ना, वो सेक्शंस वाली जो इन्होंने कंडेंस करके दिया था, वो वाली चीज, ये तो अपन ने कभी पढ़े ही नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही वैलिड रहता है। और कंस्ट्रेंट वाली चीज अपन ने जान चुके हैं शुरुआत में कि आप डेट को चेंज करो, अमाउंट को चेंज करो, वो सारी चीजें कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाती है। ये पूरी पूरी अपन ने ऐसी बात यहां पे करके रखी है। आप एक बार दो चार एक बार पन्नों को पलट लीजिए, पूरे जितने भी अपन ने चीजों को पढ़े ना, टॉपिक को पढ़े, उसके पन्नों को पलट लीजिए, देख लीजिए एक बार अपन ने क्या क्या पढ़ाया करके, फटाफट देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलता हूं।
चलिए कर लिए एक बार, हो गया सभी लोगों का, हो गया फटाफट बताइए मुझे। हाँ आइए। अच्छा आपको कलर वाली बुक नहीं आती है क्या? इंस्टीट्यूट से मॉड्यूल बुलाओगे तो कलर वाली आती है रे, इंटर में तो कलर वाली भेजते हैं, अरे फाइनल में भी भेजते हैं तो इंटर में भी कलर वाली आती है। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो मॉड्यूल है वो कलर वाली मॉड्यूल है, बताया आपको, मतलब जो मैंने एक वन ऑफ माय फ्रेंड है जो मतलब इंटर में, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मेरा दोस्त बन गया था ना, तब वो बेचारा ट्वेल्थ में था, मैं अभी सीए प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो चुका हूँ, वो भी इंटर में है, तो ऐसे केस में मैं उसका ग्रुप वन क्लियर हो गया है, तो मैंने उससे मॉड्यूल लिया, तो वो तो ग्रीन मतलब वो पूरी कलरफुल है यार, वो पूरी कलरफुल है। क्या पता अभी इंस्टीट्यूट कॉस्ट बचा रही होंगे, फिर ऐसा हो सकता है बोले कॉस्ट बचाएंगे अब, है ना। आओ ध्यान दो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सुनिए अब मैं आपके साथ बात करूंगा कौन सी चीज के रिगार्डिंग, अब हम लोग बात करेंगे डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कौन से बोलो 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 बोलो, डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा नॉन पेमेंट। अब क्या होता है नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब और क्या होती है सारी सारी चीजें, आइए देखते हैं। मैं अगर बात करूं आपके साथ ऑन द ड्यू डेट, आईजी सर कौन है बेटा? होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं अगर होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो मैं ड्रॉई के पास जा सकता हूं, मान लीजिए लस्सी बॉय ड्रॉई है, मैं लस्सी बॉय के पास जा सकता हूं और मैं कहता हूं यहाँ पे लस्सी बॉय मुझे क्या चाहिए, लस्सी बॉय मुझे यहाँ पे पेमेंट चाहिए। अगर लस्सी बॉय मुझे पेमेंट नहीं करता है तो ऐसे केस के अंदर उसे नॉन पेमेंट बोला जाता। अच्छा अच्छा मतलब पेमेंट नहीं किया नॉन पेमेंट, वाओ मजा आ गया बोले। तो सर ये नॉन एक्सेप्टेंस क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब है जब मैं पेमेंट लेने के लिए जा रहा हूं ना, लस्सी बॉय मिलता ही नहीं है या लस्सी बॉय एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो प्रोमिसरी नोट को अपने पास भी नहीं बोले, ये प्रोमिसरी नोट वगैरह मेरे पास तो कुछ है, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है वो प्रोमिसरी नोट को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने बाया पोस्ट भिजवाया बेटा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पोस्ट ही लेने से मना कर दिया, समझना बात को, पेमेंट नहीं कर रहा है। देखो एक तो एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट नहीं कर रहा है, ये दूसरी बात है, वो भी डिसऑनर है, लेकिन पहले केस में तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, पहले केस के अंदर मैंने लेटर भिजवाया वो एक्सेप्ट ही ना करे, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इसे डिसऑनर ऑफ क्या बोला जाता है, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसे कहते हैं। क्या आप ये बात को समझ रहे? तो डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यहां पे कि बिल को आप कर सकते हो डिसऑनर दो तरीके से, एक तो नॉन पेमेंट और दूसरा आपका नॉन, बोलिए ना, नॉन एक्सेप्टेंस। सबसे पहला नॉन पेमेंट, दूसरा आपका नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट और दूसरा आपका नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आप कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को, चाहे चेक हो तो पता चला चेक बेटा पेमेंट ही नहीं हुआ करके, या मान लीजिए देखो चेक आप डालते हो, है ना, सुनिए बात को ध्यान दीजिए, आप चेक में डालते हो तो सामने वाले अकाउंट में पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो वो डिसऑनर हो जाता है। या दूसरा कभी कभार आपका चेक ही प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर गलत साइन है, या वो चेक के ऊपर अगर आप डबल डबल कुछ लिखते हो, ज्यादा लिख देते हो, तो ऐसे केस के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो दोनों चीजें इसके अंदर आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नॉन एक्सेप्टेंस भी और नॉन पेमेंट भी, दोनों चीजों के कारण क्या होता है यहाँ पे डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है, डिसऑनर होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आइए देखें पढ़ेंगे, डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में भी डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, दोनों चीजों के कारण डिसऑनर हो सकता है। अब डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कैसे होता है, एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को जानेंगे यहां पे। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेट टू बी डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला क्या, देखो बिल को आपने ड्यूली प्रेजेंट किया, है ना, किसके सामने, एक्सेप्टेंस के सामने आपने ड्यूली प्रेजेंट किया, एंड द ड्रॉई और वन ऑफ द सेवरल ड्रॉईज नॉट बीइंग द पार्टनर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट Within 48 hours from the time of presentment, हमने जब बिल को प्रेजेंट किया 48 hours के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल को बेटा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, बोलो ना जल्दी से, ये वाली चीज क्या हो गया, ये वाली चीज को हम लोग बोलेंगे बस खत्म करके, समझिए बात को, बस खत्म करके। मतलब सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ मैं आपके साथ, देखिए यार बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, मैंने बिल को प्रेजेंट किया
48 आवर्स के अंदर वो बिल को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। मतलब लस्सी में 48 आवर्स के लिए ऐसे खड़ा हूँ, लस्सी बॉय प्लीज ये बिल को एक्सेप्ट कर लो। लस्सी बॉय रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। लस्सी बॉय 48 आवर्स तक समझिए बात को, एक्सेप्ट भी नहीं करता इस चीज को, तो हम लोग कहेंगे ये डिसऑनर ऑफ बिल की तरह हो जाता है। जहां पे प्रेजेंटमेंट को एक्सक्यूज कर दिया गया तो बिल इज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए मैं गया था, लस्सी बॉय बोलता है अभी तो मैं बाहर आया हूं, अभी तो मैं मालदीव्स घूमने आया हूं करके, समझिए बात को, लस्सी बॉय कहता है कि मैं यहां पे क्या लस्सी गर्ल के साथ अभी मालदीव्स घूमने आया हूं, तो ऐसे केस के अंदर मैं तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। इन्होंने एक्सक्यूज बनाया, बहाना बनाया, समझिए बात को, एक्सक्यूज किया मेरे प्रेजेंटमेंट को। मैं कहूंगा यहां पर बिल डिसऑनर हो चुका है। मतलब यहां पर नॉन एक्सेप्टेंस के कारण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है। तीसरी वाली चीज, ड्रॉई इज इनकंपिटेंट। मान लीजिए जो ड्रॉई है ना, मतलब जिसको पैसा पे करना है, वो व्यक्ति इनकंपिटेंट है। हो सकता है वो व्यक्ति माइनर हो सकता है बेटा वो व्यक्ति लुनाटिक पर्सन हो, तो पहले से हो या बाद में हुआ हो, जो भी चीज है। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर बात करूं यहां पे आप लोगों के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिएगा सब लोग समझिए बात को, हम लोग बोलेंगे इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं यहां पे क्या, कि यहाँ पे व्यक्ति इनकम्पिटेंट है, तो सीधी सी बात है बिल फेल होने वाला है, तो नॉन एक्सेप्टेंस, सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मान लीजिए फिक्टिशियस पर्सन ड्रॉई, फिक्टिशियस पर्सन मतलब एक्चुअल में वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में वो पर्सन बोलो मेरे साथ एग्जिस्ट नहीं करता, और हमने उसके नाम से क्या करके रखा है, उसके नाम से अपन ने ड्रॉई बना के रखा है, तो भैया आपको तो कभी बिल मिलने नहीं वाला, ये डिसऑनर की तरह ट्रीट होगा, प्रीवियस पार्टीज को घेर लेना। उसके बाद बोला गया जहां पे ड्रॉई कुड नॉट बी फाउंड, अपन ने इतना ढूंढा लेकिन लस्सी बॉय का ना ही फोन लागे, लस्सी बॉय का ना ही फोन उठावे, अरे कुछ नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए बेटा, लस्सी बॉय कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं कहूंगा बिल यहां पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, नॉन एक्सेप्टेंस के कारण ये बिल डिसऑनर ट्रीट किया जाता है। या मान लीजिए लस्सी बॉय ने बिल को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन बोला कि मैं केवल और केवल 10,000 रुपए दे पाऊंगा, ये बिल भली 1,00,000 रुपए का हो, आपको 10,000 रुपए चाहिए तो बोलो, अदरवाइज मैं नहीं देता पैसे। मैं कहूंगा ये भी एक प्रकार से नॉन एक्सेप्टेंस हुआ, एक तो कर नहीं तो पूरा ना कर, या एज अ फ्रेंड क्या है इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा वाला पॉइंट है बेटा ये। या आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे सकते हो क्या, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, समझिएगा बात को, आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल, समझिए आपको केवल और केवल यहां पे फुल एक्सेप्टेंस लागे रे बेटा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं लगता, इस चीज को आप समझ लेना, इस चीज को बात को आप समझ लेना। क्या आप बात को समझ गए, सभी लोग बोलिए ना मुझे क्या आप इस चीज को समझ रहे। तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस की बात करूं तो अलग अलग तरीके होते हैं, 48 आवर्स तक एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनिए, प्रेजेंटमेंट को एक्सक्यूज कर दिया, ड्रॉई इनकम्पिटेंट है, फिक्टिशियस पर्सन ड्रॉई है आपका, और ड्रॉई क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं नॉन एक्सेप्टेंस के अंदर, नॉन एक्सेप्टेंस डिसऑनर किसका हो सकता है, बिल का हो सकता है, नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही होता है, पूरे पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, बाय नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा क्या, नॉन पेमेंट, नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट। आइए इसके अंदर क्या बोला इन्होंने, नॉन एक्सेप्टेंस के अंदर 48 आवर्स में अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो, ठीक है, बिल्कुल सही सर। दूसरा क्या बोला इन्होंने, या एक्सक्यूज, फिर रॉय से रिलेटेड था, रॉय से रिलेटेड तीन पॉइंट थे, कौन से, एक तो ये इनकम्पिटेंट है, दूसरा क्या बोला अपन ने, ये क्वालिफाई कर रहा है एक्सेप्टेंस को, और तीसरा क्या बोला गया, फिक्टिशियस पर्सन है। मजा आ गया, बोलो मेरे साथ मजा आ गया करके, बस इतनी चीज है। मैं जबरदस्त तरीके से लैग मार रहा हूं यहां पे, है ना, हाँ आओ आओ मित्रों आओ, मतलब वीडियो लैग मार रहा है, ऑडियो लैग नहीं मार रहा है आपको, वीडियो लैग मार रहा है। हेलो, आपको चीजें प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रही है, हेलो
आपको चीजें प्रॉपर सुनाई तो प्रॉपर दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है करके। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन एवरीवन, आ जाएंगे। मैं एक मिनट रुको, एक मिनट में स्टॉप स्ट्रीम करके फिर से स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। चलिए अब देखिए, अरे अब लाइव है हम लोग, आ जाइए आइए आइए, ध्यान दीजिए। एक छोटा सा एरर था जो मतलब ठीक है जाने दी। तो ये वाली चीज है, क्या आपने लिख लिया बोलो मुझे, क्या आपने इतना लिख लिया? मैं फुल स्क्रीन को आपको दिखा दूं एक बार, ये देख लीजिए फुल स्क्रीन को। अरे भाई साहब ये तो गजब हो रहा है, वीडियो अटक गया है। हाँ चलिए अब देखिए एक बार, अब एक बार देख लीजिएगा सब लोग, मेरे हिसाब से अब ठीक हो जाएंगी चीजें। ठीक है आ जाइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों आ जाइए। ठीक है तो ये वाली चीज अपनी कंप्लीट हुई, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। देखिएगा, द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस इज दैट होल्डर ऑफ द बिल कैन स्टार्ट एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉवर एंड द एंडोर्सर्स एंड डिड नॉट टू वेट फॉर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल करके। एक बार अगर समझिए बात को, एक बार अगर डिसऑनर नॉन एक्सेप्टेंस हो गया तो ऐसे केस के अंदर होल्डर क्या कर सकता है? होल्डर अपने तरीके से चीजें चालू कर सकता है, होल्डर बोल सकता है भैया कम करो करके, समझ रहे बात को, भैया ध्यान रखिएगा, भैया ये करो स्विच मारो करके, ऐसा होल्डर बोल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप बात को समझ गए? मतलब मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ तो देखो सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो होल्डर ऑफ बिल है ना, वो होल्डर ऑफ बिल प्रायर पार्टीज के लिए, प्रायर पार्टीज के लिए क्या कर देगा? चालू कर देगा अपनी प्रक्रिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंटमेंट के बाद 3 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है, मैच्योरिटी 3 दिन बाद आती है, बराबर ना, 3 दिन के बाद मैच्योरिटी आती है, लेकिन होल्डर को रुकने की जरूरत नहीं है, होल्डर बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी कार्यक्रम चालू कर सकता है, बोले चलो एक काम करेंगे पैसा वसूलेंगे, बोले समझ रहे बात को, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। चलो एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, पता नहीं क्यों चीज़ें ये हो रही है मेरे तरफ से यार, चीज़ें सब कुछ सही दिखाई दे रही है, यहाँ पे ग्रीन भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट पता नहीं क्यों। चलो एक बार अब चेक करके देख लो, एक बार अब देख लो चेक कर, अरे यार ये यहाँ पे क्यों लैग आ रहा है यार, अलग ही लैग आ रहा है, भगवान जाने क्या हो गया है। आई डोंट नो क्या हो गया है सर, वॉइस है, अरे लेकिन वीडियो नहीं है ना बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वीडियो अगर नहीं चला तो मुश्किलें कर देंगे ना ये लोग। हाँ वीडियो अटक रहा है ना, वही तो दिक्कत है। ऐसे सब ठीक चल रहा है, ऐसे एकदम सब बढ़िया चल रहा है जब ये स्ट्रीमिंग चालू। चलो अब आई थिंक सो, अब इट्स गुड, ओके परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, आ जाएंगे सभी लोग आ जाए। दोस्तों देखिए मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, अब हम लोग चालू करने वाले कौन सी चीज के रिगार्डिंग, अब हम लोग डिसऑनर ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग बात करने वाले आप लोगों के साथ कि क्या होता है डिसऑनर ऑफ पेमेंट के अंदर, क्या होती है सारी चीजें, आइए देखते हैं। नहीं हो रही चीज़ें, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज के सेशन को यहीं पे रोकता हूँ और मैं एक बार इस चीज़ को चेक करके फिर आज शाम में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है आज शाम के सेशन को मैं 7:30 का सेशन है उसको थोड़ा सा पहले करवा लेता हूँ मैं आज के सेशन को। जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली डेस्क, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, सेम चीज़ें आपको मिलती है आइकॉनिक के अंदर। उसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। जब भी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले, IG सर कोड जरूर से प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आप या आपका दोस्त या आपका जानकार कोई भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो जरूर से उसे IG सर कोड का प्रयोग कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, सी यू ऑल वेरी सून।